तो हेलो हेलो दोस्तों, आज भाई तुम लोग ये आसपास की जगह देख के तुम्हें शायद कुछ ना समझ में आ रहा हो या आ भी रहा हो पता नहीं, लेकिन अब तुम समझ गए होगे ये क्या है। भाई ये है मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड और ये है हमारा आयरन फार्म। तो भाई कितने टाइम के बाद मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में वापस आया हूँ, और ऐसे ही तो वापस आया हूँ नहीं भाई। एंडर ड्रैगन को ख़त्म करना है भाई। आयरन देखो इसमें कितना सारा मेरे पास पड़ा है, बस एंडर ड्रैगन को मारने के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पड़ी है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। और ये देखो मेरे को बताना तुम्हें ये कैसा लग रहा है आयरन फार्म के इधर आजू बाजू का काम। ये वर्क इन प्रोग्रेस है अभी तो, पर ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो चलो इसको भी हम पूरा करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एंडर ड्रैगन की वाट लगाएंगे। देखो ये यहाँ तक ब्रिज बनाया हुआ है मैंने, बाकी का बनाना बाकी है। कोई नहीं यार, हो जाएगा। और ये एक तो मेरा, मैं मजाक नहीं कर रहा, एमएलजी ना हो तो मुझे मत बोलना भाई, लैग होता है। ये देखो वो तो पता ही था लैग इतना वर्ल्ड हो रहा है मेरा भाई। मैं भाई सर्वर के पैसे वापस लेने वाला हूँ इन लोगों से, वर्ल्ड इतना लैग होता है मैं कहीं चल फिर भी नहीं पाता हूँ। पता नहीं कैसे ही एंडर ड्रैगन को मारूंगा, पर कोई नहीं, कुछ ना कुछ करके तो मार ही देंगे। सारी चीज़ें हम कलेक्ट करनी है आज के आज। ओए ओ भाई यार, इन लोगों के यार पैसे ही वापस, भाई मेरे पैसे वापस करो, मुझे नहीं पता यार ये क्या बकवास बना के दिया है। और यहाँ पे चलो, और यहाँ से वापस यहाँ पे। अरे भाई थोड़ा थोड़ा, अरे यार हो जा, कभी तो हो जा यार। ठीक है यार रहने दो। चलो भाई चलो हम घर चलते हैं यार अपने। भाई कुछ ज़्यादा ही हैवी शेडर्स डाल दिए लगता है। और ये भाई मेरा हैप्पी बर्थडे वाला, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो तुम लोग जाके देख सकते हो भाई, बहुत मेहनत लगी थी इसको बनाने में भी। ना मस्त लग रहा है यार दूर से, हैप्पी बर्थडे। और हमें एंडर ड्रैगन को मारने के लिए चाहिए क्या क्या, एक बार सारी चीज़ें तुम्हें दिखा देता हूँ मेरे वर्ल्ड में जो जो है। कोई लोग नवे हो या फिर तुम लोग कुछ भूल चुके हो, तो इसीलिए सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। ये चल ले भाई, बेइज्जती कराना बंद कर ले, ऐसे ही चल लेते यार। ओ यार ये हमेशा घूमते ही रहते लामा वामा। यहाँ हमने मनाया था हमारा बर्थडे एकदम मस्त तरीके से। ओ भाई साहब स्टोन फार्म इतने टाइम के बाद आया हूँ। चलो दो तीन पत्थर तोड़ी लेते, देखते काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आज हम तोड़ेंगे हमारे स्टोन फार्म के ताजे ताजे पत्थर, एकदम फ्रेश पत्थर है भाई। लोग किस किस को ये पत्थर चाहिए तुम लोग मुझे कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लोग भी एक और स्टोन फार्म बना दो ना यार, कौन सी बड़ी बात है, इजी सा ही है ये स्टोन फार्म तो एकदम। ये हमारा प्यारा एक्वेरियम भाई, इसकी डिज़ाइन कुछ भी बोलो मैंने मस्त बनाई थी, एकदम खतरनाक। हर जगह तुम लोग मेरे वर्ल्ड में चेस्ट देख सकते हो। अरे यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ चुकी है इन लोगों की। भाई क्या मस्त डिज़ाइन बनाया था मैंने इसका, ये भी एकदम मस्त। लावा फार्म भी एकदम परफेक्ट काम करता है। लावा फार्म ये ना भाई तू, कि ड्रिपस्टोन फार्म है, ड्रिपस्टोन फार्म है यार, सॉरी लावा फार्म तो वहाँ था। ये भाई ये अपना क्ले वाला फार्म है, देखिए अभी भी क्ले होती है जनरेट, इससे नहीं होती है, यहाँ पे तो पानी निकल रहा है किसी किसी में से। लावा फार्म तो वहाँ दूर है यार, वो ड्रिपस्टोन फार्म था। हाँ क्ले तो हो ही रही, मतलब एमरल्स में जितने चाय निकाल सकता हूँ। और ये हमारा शुगर केन फार्म एकदम लंबी पटरी, कुछ ज़्यादा ही लंबा है यार ये, इसके ऊपर और बड़ा बनाऊंगा इसको मैं बाद में, ताकि और मज़ा आ जाए। ये पीछे हमारा विलेज है, विलेज फिलहाल नहीं दिखा रहा। और ये मैंने पूरी आयरन, ये विलेजर ट्रेडिंग हॉल के लिए बनाया था वो भी तुमको याद होगा। ये थोड़े बहुत बम्बू बम्बू उगा दिए मैंने, ये बैम्बू फार्म है। और ये अपना आयरन गोलम वहाँ क्या टाइम पास कर रहा है यार इन लोगों को, इसीलिए मैं पगार ही नहीं देता हूँ। देखने जाओ तो ये आयरन गोलम विलेजर ट्रेडिंग हॉल के साथ साथ मेरा आयरन फार्म भी है, मेरे को जब भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ज़रूरत तो कभी कम ही पड़ती है, तो एक दो कोड़ा देता हूँ यार समझो तुम लोग।
ये हमारा फिश फार्म है, ये तो ये क्या है इसमें भाई, तुम लोग देखो बेम्बू कितना सारा पड़ा है भाई साहब, कितनी स्टिक्स बना सकता हूँ और मैं जितने एमरेल्स चाहे ले सकता हूँ यार, एमरेल्स की तो कोई कमी नहीं है मेरे पास, बंडल भर भर के ले सकता हूँ एमरेल्स। बस यहाँ थोड़ी देर खड़ा हो जाना है और एमरेल्स की बारिश हो जाती है, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ अपने सीक्रेट्स चीज़ें भाई, बहुत कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट है ये, तुम लोग किसी को बताना मत, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये देखो भाई साहब इस चेस्ट में, भाई तुम लोग को क्या लगता है इतना ही सामान है? ये शार्पनेस वाली बुक्स है, ये सबसे खतरनाक, फायर प्रोटेक्शन, फेदर फॉलिंग, शार्पनेस 3, हो भाई ये खतरनाक, वो सब ये बहुत मेहनत से कमाया हुआ है। ये देखो अंदर पूरा स्टोरेज सिस्टम है, देखो ये वो है, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन 3 की, लॉयल्टी 3 की, फायर एस्पेक्ट 2 की बुक्स, ऐसी खतरनाक खतरनाक बुक्स पड़ी है ना, तो तुम लोग बोलोगे वाह भाई क्या क्या कलेक्शन है मेरे पास बुक्स का, फेदर फॉलिंग 4 तक पड़ा है, फ्लेम व्लेम तो नॉर्मल ही रहता है पर फिर भी है मेरे पास, इसमें क्या क्या पड़ा है इसमें, अच्छा ये तो वही चेस्ट है और एक और चेस्ट वहाँ पर पड़ा है, देखो यहाँ पर भी महंगा है, पावर 3 का बुक है भाई और पावर 4 वाला वो भी है, तो तुम लोग समझ ही सकते हो कितना महंगा महंगा सामान पड़ा है अपने पास भाई, यू नो वेरी अमीर। हाँ पानी से ऊपर तो आ गए, अब ये पानी लेना पड़ेगा बस, चलो भाई पानी ले लेते हैं अपन अपना वापस और निकल लेते हैं यहाँ से वापस ऊपर को। देखो मैंने अपना सीक्रेट भाई बेस तुमको बता दिया है, ये अपने पास बहुत सारा सीक्रेट सामान है इधर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए बस, वापस यूँ डर्ट लगा दो। किस तुमने कहीं सोचा होगा फिश फार्म के नीचे, एक तो ठीक इतना सारा और होगा, एकदम मस्त फिश फार्म बनाया हुआ है मैंने, और इसको पूरा कवर भी इसीलिए कर दिया था कि यार मैं फिशिंग करता था, क्रीपर यार पीछे से फट जाते थे। चलो अंदर विलेजर्स से भी मिला के आता हूँ। और गोलम भाई बढ़िया, सब सबका ध्यान रख रहे हो, ये लोग हूँ करके तुम्हारा सर दर्द नहीं कर देते? हाँ देखो हूँ कर रहे हैं अभी भी, चलो अंदर से विलेजर्स घुमा देता हूँ और मैं भी देखता हूँ कितने एमरल्स बचे अपने पास। आ विलेजर हो, कितने दिनों के बाद आया हूँ, बढ़िया साहब यहाँ पे, ओ भाई 3 स्टैक पड़े, ठीक है ठीक है, पर कम है पर ठीक है यार, चलेगा फिलहाल के लिए तो, 3 स्टैक बहुत होते। ये सब है मेरे पास अभी तो, मेरे को देख भाई गोल्डन शॉर्ट्स कुछ ज़्यादा ही है मेरे पास, वो गोल्ड फार्म है ना इसीलिए, उसके नीचे स्मेल्टर तब नहीं बनाया था, अभी बना दिया है। चलो मिलते हैं, चलो भाई और विलेजर्स हो, बाय बाय। और यहाँ पे मेरे कुछ घोड़े भी रखे हुए हैं यार, आयरन गोलम को किसी से बात करनी है तो विलेजर तो हूँ करके उसके सर में दर्द कर देते। चलो एक और बार वाट लगने वाली है, पर यार ये मेरी घर की अच्छी लिफ्ट है यार, सामने एकदम यूँ 1 2 3 और ये लेट्स गो। बस देखो अरे अब तो पानी लग गया था यार, अब क्या दिक्कत हो गई तेरे को? नीचे कुछ टूटा फूटा तो नहीं है भाई? बहुत मेहनत से बनाया, कुछ नहीं टूटा, हाँ बस कुछ नहीं टूटा, कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइन ही ऐसे किया है, कुछ टूटे ही ना। इधर तो कैंप फायर है, इधर से चलो नीचे। अबे अबे एमएलजी की बात क्या, पर ठीक है चलो, अब ये है ना असली चीज़ तो। हाँ भाई शार्पनेस 5, एफिशेंसी 2, मेंडिंग, प्रोटेक्शन 4, थ्रॉन्स, अनब्रेकिंग, मेंडिंग, भाई है ना ये तगड़ा आर्मर। अरे अब तो इसको देख के एंडर ड्रैगन बोलेगा सेठ माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे इलाके में कहाँ आ गया, देखो मैं लेकिन मैं अपना आर्मर पहन लेता हूँ पूरा भाई। एंडर ड्रैगन की वाट लगानी जो है, ओहो भाई नेदरराइट के आर्मर में अपन फुल रेडी। और यहाँ पे भी अपने पास बहुत महंगी महंगी चीज़ें पड़ी है भाई, डायमंड्स तो देखो तुम लोग मेरे पास, बुक्स, डायमंड्स, ब्लेज रॉड भी पड़ी है अपने पास, फायर प्रोटेक्शन तो वैसे कुछ काम का है नहीं पर मिल जाता है यार ट्रेडिंग से इजीली। यहाँ पे भी बहुत सारा सामान, इसमें क्या पड़ा है, इसमें थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है, वो भी अच्छी है यार एक तो ये, और भाई डायमंड का आर्मर भी पड़ा है मेरे पास एक बना हुआ है, इसमें क्या ओहो शार्पनेस 2 इसमें भी लगी हुई है, और इसमें क्या लगा हुआ है भाई, प्रोटेक्शन 4 चेस्ट प्लेट, डायमंड की चेस्ट प्लेट में भी है मेरे पास तो। यार मेरे को ये सब तो याद ही नहीं था, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में नया हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, नेदरराइट का आर्मर तो मेरे को याद था, मैंने मस्त बना के रखा है और थोड़ा बहुत एडिशनल है वो, एक दो छोटी मोटी एन्चेंटमेंट लगा देंगे।
और यहाँ पे क्या चीजें हैं, जस्ट चेक करते हैं अपने पास। और आज क्या क्या पड़ा है सब चेक करेंगे। शुरुआत करते हैं इससे, यहाँ पे भी कुछ ज्यादा ही कूड़ा कबाड़ा पड़ा है यार, पर ठीक है यार। ब्लॉक्स 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 ही ब्लॉक्स 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 बुक्स, एन्चांटेड बुक्स तो मेरे पास ऐसा पड़ी है ना, मतलब धूप के भाव में पड़ी है भाई। जिसको जितनी चाहिए मेरे को फोन कर देना, मैं उसके घर भिजवा दूंगा। डेंजर बो, अरे भाई तू तो एंडर ड्रैगन का साथ ही है क्या, क्यों उसको बचा रहा है? डेंजर बॉय लेने दे मेरे को। ओ भाई पंच फ्लेम पावर फोर, पावर फोर है भाई इसमें। सॉर्ड, मेरी महंगी सॉर्ड। ओ, अब बात भाई तू तो एंडर ड्रैगन को बचाने की कोशिश नहीं कर, एंडर ड्रैगन तो गया आज। ये देखो भाई ये सब रख देते हैं। बुक बुक तो कुछ काम की है नहीं। ये ट्राइडेंट तो वो है चैनलिंग वाला। तो देखो मैंने तुम्हें सारा सामान बता दिया है ऑलमोस्ट, मेरे पास जो जो पड़ा है एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। अगली वीडियो में हम चलेंगे एंडर ड्रैगन को खत्म करने के लिए। तो तब तक के लिए तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।